कक्षा 7 के बच्चे, मेरी गण की कक्षा में आपका स्वागत है। गण की कक्षा में आज हम पढ़ ले रहे हैं राशियों की तुलना। राशियों की तुलना में हम दो राशियों की तुलना या दो संख्याओं की तुलना किस प्रकार करते हैं या आवश्यकता पड़ने पर उस पर किस प्रकार परिवर्तन कर सकते हैं, इस पर आज सर्वप्रथम हम लेंगे अनुपात। अनुपात ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है या एक ऐसा विषय है जिसे हमारे घर में या हमारे दैनिक जीवन में हर कोई जानता है। जैसे हमारे घर में भी ये जाना जाता है कि यदि हम भोजन बना रहे हैं तो भोजन की मात्रा घटने या बढ़ने पर उस पर पड़ने वाले मसाले, उस पर पड़ने वाले नमक इत्यादि किस अनुपात में घटेंगे या बढ़ेंगे। तो इसी अनुपात को हम अब गणितीय रूप में आज हल करने का प्रयास करेंगे। इसमें हमने एक आसान सा प्रश्न लिया है कि माना हिना की ऊंचाई 150 सेंटीमीटर व अनिल की ऊंचाई 100 सेंटीमीटर हो तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। यानी दो लोगों की ऊंचाई दी है जिसमें से हिना की ऊंचाई 150 सेंटीमीटर और अनिल की ऊंचाई है 100 सेंटीमीटर। तो इन प्रश्नों को हल करते पर हम सर्वप्रथम देखते हैं कि इनकी इकाइयां क्या है। ऊंचाई की इकाई यहां भी सेंटीमीटर दी है और यहां भी सेंटीमीटर दी है, इसका अर्थ है कि इनकी ऊंचाइयों की इकाइयां समान है। ये यदि ये समान नहीं होती तो इसे हम एक समान बनाते। तो अब हम इसे हल करना प्रारंभ करेंगे कि हिना व अनिल की ऊंचाई का अनुपात। अब पहले हमने लिखा है हिना व अनिल में, पहले हमने हिना लिखा है तो हम देखेंगे कि हिना की ऊंचाई कितनी है 150। फिर यहां हम अनुपात का चिन्ह लगाएंगे जो दो बिंदु ऊपर नीचे इस प्रकार लगा दिए जाते हैं। फिर आ गई अनिल की ऊंचाई जो है 100 सेंटीमीटर। अब बच्चों ये ध्यान रखना है कि अनुपात का अपना अपनी कोई इकाई नहीं होती है, इसलिए यहां पर कोई भी इकाई नहीं लिखी जाएगी। अब इसे हम साधारण भिन्न की तरह हल करने का प्रयास करेंगे। 150 बटे 100, शून्य से शून्य कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 15 बटे 10। यदि हम 5 से भाग देंगे देखें तो 5 से 15 भाग जाता है 3 बार और 5 से 10 भाग जाता है 2 बार, यानी कि ये आया 3 बटे 2। इसे हम अनुपात के रूप में लिख सकते हैं 3 अनुपात 2। तो हम कह सकते हैं कि हिना की ऊंचाई और अनिल की ऊंचाई में 3 और 2 का अनुपात है। अब हम इसी के संबंध में दूसरा प्रश्न करेंगे। अब हम दूसरा प्रश्न लेंगे जिसमें है 5 किलोमीटर और 500 मीटर के बीच अनुपात। यदि हम इस प्रश्न को ध्यान से देखें तो यहां इकाई है किलोमीटर और यहां इकाई है मीटर, यानी कि इकाइयां एक समान नहीं है। तो इकाइयों को हमें सर्वप्रथम एक समान करना है, तो हम इस किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 5 किलोमीटर में 5 × 1000 मीटर होंगे जो कि 5000 मीटर होंगे। अब हमारे पास 5 किलोमीटर नहीं कहेंगे, हम इसे 5000 मीटर कहेंगे। तो हम लिखेंगे 5000 मीटर अनुपात 500 मीटर। इसे यदि हम हल करेंगे तो हमारे पास सर्वप्रथम इसको भिन्न के रूप में बदलने का एक रास्ता है। ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएंगे तो हमारे पास आया 50 बट्टे 5। 5 का भाग 50 में भी जाता है और 5 में भी जाता है। 5 का भाग 5 में 1 बार जाएगा और 50 पर 10 बार जाएगा, यानी ये आया 10 बट्टे 1। हम इसे अनुपात के रूप में लिख सकते हैं 10 अनुपात 1, यानी कि 5 किलोमीटर वो 500 मीटर के बीच में 10 और 1 का अनुपात होगा। अब हम इस पाठ को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब हम करेंगे तुल्य अनुपात। हम दो अनुपात जैसे हमारे पास हैं 6:9 और 6:12, इनकी तुलना करेंगे कि क्या यह बराबर है या नहीं है, या एक समान है या नहीं है। तो इसे सर्वप्रथम हम 6:9 की हल करें तो सर्वप्रथम इसे हम भिन्न के रूप में लिखेंगे 6/9। 3 का भाग दोनों में जाता है, 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9, तो ये हमारे पास होगा 2/3, यानी इसे हम लिख सकते हैं 2:3। 6:9 2:3 के ही समान होगा। अब दूसरा हमारे पास है 6:12। 6:12 को हम लिखेंगे 6/12, 6 का भाग दोनों में जाएगा, यह होगा 1/2 या 1:2।
तो यदि हम इन अनुपातों को देखें तो पहला अनुपात है 2:3, यानी 6:9 को हम 2:3 भी कहीं कह सकते हैं और 6:12 को हम 1:2 भी कह सकते हैं। ये दोनों अनुपात एक समान नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 6:9 व 6:12 तुल्य अनुपात नहीं है। अब हम इसके संबंधित एक प्रश्न और करेंगे। अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं जो है 7:14 व 9:18। इसे देखेंगे कि तुल्य अनुपात है या नहीं है। सर्वप्रथम 7:14 इसे हम देख सकते हैं, देखेंगे 7/14, 7 का भाग 2 में जाता है, 1 और 2 बार, 1:2 जो कि 1/2 जो कि 1:2 के रूप में इसे दिखाया जा सकता है। दूसरा अनुपात हमारे पास है 9:18, इसे हम देखेंगे 9/18, 9 का भाग 2 में जाएगा, 18 आपस में बराबर होते हैं। जब दो अनुपात आपस में बराबर हैं, तो हमारे पास एक नया शब्द आता है जिसे हम कहते हैं समानुपात। या हम कह सकते हैं कि 7:14 और 9:18 समानुपात में है, क्योंकि हल करने पर ये दोनों एक से अनुपात देते हैं। अब हम इसी पाठ को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इसके संबंधित हम एक प्रश्न लेंगे। वो प्रश्न है, प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर चाहिए, तो बताइए कि 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर चाहिए। यदि 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर चाहिए, तो हम यह समझ सकते हैं कि यह चीज भी या कंप्यूटर की आवश्यकता भी तुल्य अनुपात में ही होगी। तो हम मानते हैं कि माना 24 विद्यार्थियों को x कंप्यूटर चाहिए, तो विद्यार्थियों और कंप्यूटर के बीच में अनुपात कितना है। यदि हम पहला देखें तो 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर हमें चाहिए, तो विद्यार्थी और कंप्यूटर के बीच में अनुपात होगा 6:3, जहां 6 विद्यार्थी हैं और 3 कंप्यूटर हैं। तो हमें याद रखना होगा कि पहले हमने विद्यार्थी लिखा है फिर कंप्यूटर लिखा है। अब 24 विद्यार्थी, पहले विद्यार्थी लिखेंगे फिर कंप्यूटर लिखेंगे, अनुपात एक्स। हम कहेंगे कि 24 विद्यार्थियों को एक्स कंप्यूटर चाहिए। ये तुल्य अनुपात है तो बराबर होंगे, जैसा हमने अभी हल करने में बताया था कि 6/3 बराबर होगा 24/x। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या तिरछा गुणा से हम इसे हल करते हैं। वो गुणा इस प्रकार होगा, यानी 6x से गुणा होगा और 24 से 3 गुणा होगा। तो 6x से गुणा होगा तो 6x आएगा और 24 3 से गुणा होगा, यानी 24 × 3 एक्स का मान होगा 24 × 3/6। ये 6 यहां गुणा में है तो यहां ही भाग में चले जाएगा, 3 का भाग 6 में, 3 × 3 और 3 × 2 = 6। 24 × 1 = 24 होगा, वो नीचे 2 बचा है तो 24/2 होगा 12। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर चाहिए, तो 24 विद्यार्थियों के लिए 12 कंप्यूटर की आवश्यकता। तो आज के लिए बस इतना ही। इस कार्य को अपने घर में भी करना और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।